चलिए तो हम बात करते हैं विज्ञान और तकनीकी से संबंधित घटनाएं 2019 की। तो सबसे पहले बात करते हैं सितंबर की। तो राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान गहरे समुद्र क्षेत्र का पता लगाने के लिए 2021-22 तक समुद्र दर्शन परियोजना शुरू करेगा। यह केंद्रीय खनिज विज्ञान मंत्रालय का पायलट प्रोजेक्ट है जो दुर्लभ खनिजों के गहरे समुद्र खनन के लिए 6,000 करोड़ रुपए डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। अगली बात करते हैं EXTSENTR 2019। तो भारत पाकिस्तान सेनाओं का रूस में सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनना है। भारत पाकिस्तान की सेना इस साल के सैन्य अभ्यास TSENTR 2019 में भाग लेंगी जो रूस द्वारा 9 से 23 सितंबर 2019 तक आयोजित किया जाएगा। रूस हर साल अपने 4 सैन्य कमानों में से एक यानी वोस्तोक पूर्व, जेपत पश्चिम, सेंडर कैम और कवक दक्षिण में प्रमुख सैन्य अभ्यास है। अब अगस्त की बात करें तो इंटेल ने पहली कृत्रिम बुद्धि चिप स्प्रिंग हिल लॉन्च की है। इंटेल कॉप ने अपना नवीनतम प्रोसेसर लॉन्च किया है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहला उपयोग करता है जिसे बड़े कंप्यूटरिंग केंद्रों के लिए डिजाइन किया गया है। इसराइल के हाइफा में अपनी विकास सुविधा पर चिप विकसित हुई है। चिप का नाम नरवाना NNP फर्स्ट या स्प्रिंग हिल है और यह 10 नैनोमीटर के आइस लेक प्रोसेसर पर आधारित है जो इसे कम से कम ऊर्जा का उपयोग करके उच्च वर्कलोड से निपटने की अनुमति देगा। अगली बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का AI क्लाउड पर 5,000 सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगा। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत वह AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड कंप्यूटिंग कौशल पर अगले वर्ष 5,000 सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने किया है। डिजिटल गवर्नेंस टेक टूर नामक कार्यक्रम शारीरिक आवास सी कार्यशालाएं शामिल होंगी। यह कार्यक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों से सरकार भर के टेक्नोकेट और IT पेशेवरों के लिए खुला रहेगा। अगला हमारा नासा ने मंगल पर रोलिंग स्टोन्स का नामकरण करके रॉक का सम्मान किया है। नासा ने घोषणा की कि इसके प्रतिष्ठित अंग्रेजी बैंड द रोलिंग स्टोन्स के सम्मान में मंगल पर रॉक का नाम रखा है। अगला रूस ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट फेडोर अंतरिक्ष में भेजा। रूस ने एक मानव रहित रॉकेट लॉन्च किया है जिसमें फेडर फाइनल एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च नामक एक आदमकद मानव रोबोट ले जाया गया है। फेडर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता करने के लिए 10 दिन बिताएगा। अगला हमारा सेरेवरस सिस्टम ने दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर चिप का अनावरण किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंपनी सेरेवस सिस्टम्स ने सेरेवस वेफर स्केल इंजन नामक दुनिया की सबसे बड़ी बड़े एकल सिलिकॉन आधारित प्रोसेसर का अनावरण किया है। अगला IIT दिल्ली स्टार्टअप ने NCPEDP MPHS SIS यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड 2019 जीता। अंकिता गुलाटी को टच विजन नामक मल्टी सेंसरी किट विकसित करने के लिए NCPEDP MPHS यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। अगला एकेडमिक लोमोनो सो रूस ने दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च किया। रूस ने दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च किया जिसे एकेडमिक लोमोनो सो कहा गया है जिसे पूरे आर्कटिक की अद्भुत यात्रा का भेजा गया है। अगला हमारा IIT मद्रास के शोधकर्ता औद्योगिक और फील्ड रोबोट ग्रेसमैन विकसित करते हैं। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने औद्योगिक और क्षेत्र अनुपयोगों के साथ एक मल्टी मॉडल रोबोट विकसित किया है जिसे गैसमैन कहा जाता है। गैसमैन में गैस फर्श की एक जोड़ी होती है जो रूपात्मक अनुकूलन प्रदान करती है जिससे यह वस्तु के ज्यामिति के अनुरूप होने में सक्षम होता है। यह ग्रेस पर
को सुरक्षित रूप से वस्तुओं को पकड़ने और मानव हाथ की तरह इसे हेर फेर करने की अनुमति देता है। अगला हमारा किसानों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया मेघदूत ऐप। पृथ्वी और विज्ञान और कृषि विज्ञान मंत्रालय ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो स्थानीय भाषाओं में किसानों को स्थान और फसल एवं पशुधन आधारित मौसम आधारित कृषि सलाह प्रदान करेगा। ऐप को मेघदूत नाम दिया गया है। इसे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अगला है हमारा ICMR ने भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल शुरू की है। भारत में 4 वयस्क में से एक को उच्च रक्तचाप है। समस्या से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश भर में अपने भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल का विस्तार करने का निर्णय लिया है। अगला हमारा ICMR ने भारत की पहली राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची को अंतिम रूप दिया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत की पहली राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची को अंतिम रूप दिया है। इसके साथ ही भारत ऐसी सूची को संकलित करने वाला पहला देश बन गया जो सरकार को गांव और दूरदराज के क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता वाले निदानिक परीक्षणों का निर्णय करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। अगला पिरिटोमेडिड मैनेट USFDA ने दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए नई दवा में को मंजूरी दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन ने तपेदिक के दवा प्रतिरोधी तनाव के इलाज के लिए नई दवा प्रिटोमोनेट को मंजूरी दी है। प्रिटोमोनेट न्यूयॉर्क स्थित गैर लाभकारी संगठन टीवी क्लाइंट्स द्वारा विकसित उपन्यास है। तपेदिक के अत्यंत दवा प्रतिरोधी तनाव के इलाज के लिए इसका उपयोग 2 अन्य एंटीबायोटिक दवाओं के साथ किया जाता है। अगला हमारा रोटा वैक्सीन का पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सितंबर 2019 से पूरे देश में रोटा वायरस वैक्सीन का विस्तार करने का फैसला किया है। यह सितंबर 2019 तक सभी 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक बच्चों को रोटा वायरस वैक्सीन प्रदान करेगा। अगला है हमारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने सेल संस्कृति और सूक्ष्म जीव विज्ञानी के बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए पोर्टेबल नैदानिक उपकरण विकसित किया है। अगला चीन ने स्मार्ट डैगन फर्स्ट नामक व्यावसायिक उद्योग उपयोग के लिए एक नया रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला हमारा नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन ने हमारे अपने सौर मंडल में 30 विकास वर्ष दूर स्थित सुपर अर्थ ग्रह GJ 357D की खोज की है। GJ 357D के बाद तो यह नासा के TES द्वारा 2019 की शुरुआत में खोजा गया सुपर अर्थ ग्रह है। यह GJ 357 ग्रहों की प्रणाली में स्थित है जिसमें G 357D सहित 3 ग्रहों में हमारे अपने सूरज और बंदरगाह के आकार का लगभग 1/3 मौना सूरज है। अगला नासा पंच मिशन नासा तो कोरोना और हेलियो स्फीयर को एकजुट करने के लिए नासा के पॉलरीमीटर मिशन सूर्य के बाहरी कोरोना से लेकर वायु सौर वायु तक के ग्रहों के संक्रमण को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है जो कि ग्रहों के बीच का स्थान पूरा करता है। नासा ने अपने पंच मिशन का नेतृत्व करने के लिए टेक्सास स्थित दक्षिण पश्चिमी अनुसंधान संस्थान का चयन किया है जो सूर्य की छवि बनाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के सौर भौतिकी विज्ञान दीपांकर बनर्जी भी इसमें पंच मिशन के सह अन्वेषक हैं। अगला इसरो ने बेंगलोर में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष मलबे से बचाने के लिए कर्नाटक के बेंगलोर में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर की आधारशिला रखी है। बढ़ती मलबे की आबादी और परिचालन अंतरिक्ष पर संपत्तियों के मद्देनजर अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और प्रबंधन के लिए गहन गतिविधियों की सुविधा प्रदान करेगा। अगला हमारा IMMUBAC BVM 1002 भारत के दो नए टीवी टीवी टैंक टीकों का पहला परीक्षण बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 2 नए तपेदिक टीबी के लिए भारत का पहला बड़े पैमाने पर परीक्षण शुरू किया है, जिसका नाम IMM UBAC और BPM VPM 1002 है। अगला है, ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया विश्व का पहला पतला सोना। लीड्स विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि दुनिया का सबसे पतला सोना, जो मानव के नाखूनों की तुलना में 1 मिलियन गुना अधिक पतला है, जैसा कि यह पानी में हरा प्रतीत होता है। शोधकर्ताओं ने इसे सोना का नाम नैनो सेडेड दिया है। अगला, भारत पहला एवर स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद में करेगा हुआ हैदराबाद में हुआ है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से तेलंगाना के हैदराबाद में अंतरिक्ष के प्रति उत्साही लोगों के लिए नया आकर्षण खोलने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष संग्रहालय स्थापित किया गया। अगला, IIT KGP ने अपशिष्ट प्रबंध के लिए हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक विकसित किया है। IIT और KGP भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर शोधकर्ताओं ने ठोस अपशिष्ट प्रबंध के लिए नई तकनीकी हाइड्रोथर्मल कार्बनीकरण विकसित किया है। हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन टेक्नोलॉजी नगरपालिका के ठोस कचरे को जैव ईंधन, मिट्टी संशोधन और अवशोधक में बदल सकती है। अब बात करते हैं जुलाई 2019 के, तो चंद्रयान 2 मिशन का दूसरा मिशन लॉन्च किया गया। 22 जुलाई 2019 को भारत के दूसरे चंद्रयान मिशन चंद्रयान फर्स्ट 2008 में किया गया था को सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश में सतीश धवन सेंटर के सेकेंड लॉन्च पैड से जियो सेंकोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV MK3 M1 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 2 को रूस, अमेरिका और चीन के बाद चंद्रमा पर एक समय लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया। यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के लिए दुनिया का पहला मिशन है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन चंद्रयान 2 पर भारत चंद्रमान 2 चंद्रमा पर भारत का दूसरा मिशन है। इसमें पूरी तरह से स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह लैंडर विक्रम रोवर विज्ञान शामिल है। रोवर विज्ञान को लैंडर विक्रम के अंदर रखा गया है। चंद्रयान 2 का मिशन उद्देश्य चंद्र सतह पर शयन लैंडिंग और घूमने की सहित शुरू से अंत तक चंद्र मिशन की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन करना। चांद पर भारत का दूसरा मिशन होने के अलावा यह 2 महिलाओं द्वारा संचालित किया जाने वाला पहला मिशन है। चंद्रयान 2 का नेतृत्व क्रमशः परियोजना निर्देशक और मिशन निर्देशक मुथैया बनीता और ऋतु कादरी दल द्वारा किया गया। बाहुबली जियो सेंकोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 का उपनाम है। चंद्रयान 2 के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा और लैंडिंग का प्रयास 7 सितंबर 2019 को किया जाएगा। यह 978 करोड़ की परियोजना है। पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था। इसने उतरे के बिना चंद्रमा की परिक्रमा की है। नया मिशन वह करने का प्रयास करेगा जो पहले नहीं कर सकता था। अगला, हमारा कैबिनेट ने मॉस्को में इसरो तकनीक के संपर्क इकाई को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉस्को रूस में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तकनीक की संपर्क इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है। रूस और पड़ोसी देश में पारस्परिक तालमेल परिणामों के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों और उद्योगों के साथ सहयोग करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं नासा की खोज TOI-270 नासा ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन ने हाल ही में एक ड्रॉफार्ड स्टार तथा यही तंत्र की खोज की है। इसे TOI-270 नाम दिया गया। यह पृथ्वी से लगभग 73 विकास वर्ष दूर फीचर नामक तारामंडल में स्थित है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट पेज के साथ वाहन चोरी से निपटने के लिए केंद्र की योजना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिकार GSR 521 जारी किया है, जो केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन करना चाहता है। मोटर वाहनों उनके भागों घटकों संयोजन
उप संयोजन को माइक्रोसॉफ्ट बेंच के साथ जोड़ दिया जाने की अनुमति देगा। अनुपयोग, इस तकनीक के उपयोग से वाहनों की चोरी कर को रोकने में मदद मिलेगी और नकली कलपुर्जों का भी पता चल सकेगा। अगला है हमारा, नासा 2024 में चंद्रमा पर पहली महिला अंगले आदमी भेजेगा। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा 2024 में अपने महत्वाकांक्षी आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चंद्रमा पर पहली महिला और अंगले आदमी भेजने की तैयारी कर रहा है। अगला है हमारा, यूएस अपोलो 11 मिशन के 50 वर्ष, यूएस अपोलो 11 मिशन की 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 20 जुलाई 2019 को अपोलो 11 मिशन की 50वीं वर्षगांठ मनाई है। 20 जुलाई 1969 को 600 मिलियन लोगों ने नील ए आर्मस्ट्रांग और एडविन ए वर्ज वज एल्डिन जूनियर को उत्सुकता से देखा और माइकल कोलिंस ने चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखा। अपोलो 11 नामक मिशन अपोलो कार्यक्रम का चरमोत्कर्ष था, जिसने मानव अंतरिक्ष यान को पहले से ही कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ाया। अगला बात अगली है, पाकिस्तान 2022 में अपना पहला आदमी अंतरिक्ष में भेजेगा। पाकिस्तान ने बताया कि हुआ है 2022 में चीन के उपग्रह प्रक्षेपण सुविधाओं का उपयोग करके अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा। अगला है केयर फॉर यू ऐप, IIT खड़गपुर टीम द्वारा बुजुर्गों के लिए विकसित जरा चिकित्सा देखभाल में मदद करने के लिए IIT खड़गपुर के छात्रों ने केयर फॉर यू नामक एक एप्लीकेशन विकसित की है, जो बुजुर्ग व्यक्ति के लिए देखभाल कर्ता को जोड़ता है। अगला है इसरो और मिशन आदित्य एल लॉन्च करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अब सौर मिशन आदित्य एल वन के साथ सूर्य की योजना बनाई है। इसरो ने 2020 की पहली छमाई के दौरान मिशन शुरू करने का योजना बनाई है। आदित्य एल सूर्य के कोरोना का निरीक्षण करने के लिए, यह सूर्य और प्रथम लैंग्वेज बिंदु से सूर्य का अध्ययन करेगा, जिसे एल वन लैंग्वेज बिंदु के रूप में भी जाना जाएगा। L1 बिंदु पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह एक ऐसा बिंदु है जहां पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल अंतरिक्ष यान को मंडराने की अनुमति देते हैं। यह भारत की पहली सौर जांच होगी। अगला है, केरल सरकार तिरुवनंतपुरम के नॉलेज सिटी में देश का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित करेगी। इस कदम का उद्देश्य शहर को अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर एक अंतरिक्ष संग्रहालय की बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा होगा। राज्य सरकार ने सुविधा के लिए जरूरी जमीन आवंटित करने को आदेश जारी किए। संपूर्ण निवेश भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा किया जाएगा। संतोष कुरू को अंतरिक्ष पार्क परियोजना के विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, ग्लासगो विश्वविद्यालय के भौतिक विदों द्वारा क्वांटम की पहली छवि बेल उलझाओ का अनावरण किया गया। ग्लासगो विश्वविद्यालय के भौतिक विदों की एक टीम ने क्वांटम उलझाओ के एक मजबूत रूप की तस्वीर ली है, जिसे बेल उलझाओ कहा जाता है। इसने एक मायावी घटना के दृश्य साक्ष्य पर कब्जा कर लिया, जो एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन को दूरी पर डरावना कार्रवाई कहा जाता है। फोटो में दो फोटॉन्स को एक संक्षिप्त तत्कालीन कालिक समय के लिए भौतिक अवस्थाओं को साझा करने को दर्शाया गया है, एक घटना जो कणों के बीच वास्तविक दूरी की परवाह किए बिना होती है। अगला हमारा, नासा का ड्रैगन फ्लाई टाइटन की उत्पत्ति और जीवन की संभावना की खोज पर है। नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में जीवन का निर्माण इकाई की खोज में शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन को ड्रैगन फ्लाई डॉन हेलीकॉप्टर लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। टाइटन ड्रैगन फ्लाई वर्ष 2026 में लॉन्च होगा, वर्ष 2034 तक अपने गंतव्य पर पहुंचेगा। अगला, नासा ने चंद्रमा मिशन कैप्सूल के लिए लॉन्च एबोर्ट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाने के लिए डिजाइन किए गए ओरियन कैप्सूल के लॉन्च एबोर्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। फ्लोरिडा अमेरिका में कैनवरेल
एयरपोर्ट स्टेशन पर हुआ। यह एक मिनी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, जो एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का पहला चरण था। अगली बात करते हैं, जतन पुरातत्व संग्रहालय के डिजिटल के लिए विशेष सॉफ्टवेयर। संस्कृति व पर्यावरण राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लोकसभा को जतन आवासीय संग्रहालय सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी है। जतन को मानव केंद्र डिजाइन और कंप्यूटर समूह CDAC पुणे महाराष्ट्र द्वारा विकसित किया गया। जतन के बारे में बात करें तो जतन का उपयोग विभिन्न संग्रहालयों और डिजिटल अभिलेखीय उपकरणों के में डिजिटल संग्रह बनाने के लिए किया जाता है, जो राष्ट्रीय पोर्टल और भारतीय संग्रहालय के लिए डिजिटल कोष के प्रबंध के लिए पृष्ठभूमि में उपयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं जून 2019 के, तो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा। फेसबुक ने अपनी नई वैश्विक क्रिप्टो करेंसी लिब्रा के विवरण की आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। फेसबुक के स्वामित्व वाली यह क्रिप्टो करेंसी लिब्रा सोशल मीडिया कंपनी द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च की जाएगी। अगला है, नासा का स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप वर्ष 2020 में सेवा मुक्त होगा। अवरक्त विकास में ब्रह्मांड की खोज के लगभग 16 वर्ष बाद नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को 30 जनवरी 2020 को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। स्पिट्जर एक छोटी लेकिन रूपांतरणीय स्पेसशाला है। यह अवरक्त विकास को कैद करता है, जो प्रया गर्म वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, जो दृश्यमान प्रकाश का विवरण करने के लिए पूर्ण रूप से गर्म नहीं होते। अगले बात करते हैं, इसरो ने भारतीय स्कूली छात्रों के लिए अपने प्रयोगशालाएं खोली हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार भारतीय विद्यालयों के छात्रों के लिए इस वर्ष 2 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अपनी प्रयोगशालाएं खोली। प्रशिक्षण मापदंड को नए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के भाग के रूप में तैयार किया गया है। लिए HCL टेक बी प्रोग्राम शुरू करेगा। HCL टेक्नोलॉजीज टेक वी कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। यह एक कंपनी पहल है जिसके तहत वह कई राज्यों में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को प्रशिक्षित और पारिश्रमिक पर रखती है। टेक बी HCL का एक प्रारंभिक करियर कार्यक्रम है, जिसमें कंपनी छात्रों को सीख शुरू करने और वित्तीय रूप से स्वतंत्र और चलन निर्माता बनने का अवसर प्रदान करती है। अगला है, नामांकित छात्रों को प्रति माह 10,000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा दिया जाता है। मई अब 2019 की बात करें तो इसरो की नई वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नई वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का आधिकारिक रूप से बेंगलोर में उद्घाटन किया गया। NSIL को 101 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी और 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी प्रदान की गई है। NSIL का मुख्य उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना है। DOS का पहला वाणिज्यिक उद्योग एंटिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड था, जिसे सितंबर 1992 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के उत्पादों और सेवाओं के लिए स्थापित किया गया था। अगला है, भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2022 के महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम के लिए अंतरिक्ष यात्री चयन एवं प्रशिक्षण हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गगनयान मिशन का भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम है, जो 2022 में संपन्न होना निर्धारित है। केंद्र ने इसके लिए दिसंबर 2018 में आधिकारिक तौर पर 10,000 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। 30 जनवरी 2019 को इसरो ने बेंगलोर में अपना मुख्यालय में मानव अंतरिक्ष यान केंद्र की स्थापना की। अगले, WHO ने ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए IFBA के साथ साझेदारी के, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति ने से वर्ष 2023 तक ट्रांस फैट को खत्म करने की रिप्लेस रणनीति के तहत अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ साझेदारी की है। अगला, इसरो ने 7 मेगा मिशनों की घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन सहित अपने योजनाबद्ध 7 मेगा मिशनों की घोषणा की है, जो अगले 10 वर्षों की अवधि में संचालित किए जाएंगे। इसरो ने अगले 30 वर्षों के लिए दिशा निर्देश भी तैयार किए। अगला, हमारा इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2019 का उद्घाटन किया। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन
अंतरिक्ष केंद्र में युविका 2019 नामक इसरो के युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इसकी मुख्य बातों की बात करें तो युविका 2019 में 2 सप्ताह 14 दिवसीय का ग्रीष्मकालीन अवकाशीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो इसरो द्वारा 13 मई से 26 मई 2019 तक आयोजित किया जाएगा। इसरो द्वारा केंद्र सरकार के जय विज्ञान जय अनुसंधान दृष्टिकोण के अनुरूप शुरू किया गया था। यह पहली बार आयोजित किया जा रहा है। अगला हमारा आईआईटी गुवाहाटी और इसरो के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी ने आईआईटीजी इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी सेल स्थापित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्पेस टेक्नोलॉजी सेल उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान संगठन अनुसंधान और क्षमता निर्माण प्रक्रिया के बड़ा को बढ़ाएगा। अगला है नासा ने वर्ष 2024 के चंद्र मिशन आर्टेमिस के लिए समय सारणी जारी की है। नासा ने आर्टेमिस मिशन के लिए समय सूची जारी की है जो पहली बार आधी शताब्दी में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाएगा, जिसमें वर्ष 2024 तक चंद्रमा के कक्षा में 8 निर्धारित प्रक्षेपण और 1 मिनी स्टेशन शामिल है। अगला इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रिसेट 2B का सफल प्रक्षेपण किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रिसेट 2B उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन को पहले लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया और उपग्रह रिसेट 2B को 256 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया। रिसेट 2B एक रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका वजन लगभग 615 किलोग्राम है। उपग्रह का उद्देश्य कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करना है। अगला है वैज्ञानिकों ने लक्षद्वीप के मूल निवासियों का पहला अनुवांशिक अध्ययन किया है। पहली बार वैज्ञानिकों ने लक्षद्वीप के लोगों पर अनुवांशिक अध्ययन किया है। यह CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा किया गया है। वैज्ञानिकों ने लक्षद्वीप के प्रमुख द्वीपों कदमत एंडोर्थ चेतलत अगत्ती कल्पनी वितरा किल्टन और मिनी क्वाय का अध्ययन किया गया। अब बात करते हैं अप्रैल 2019 की, तो चीन ने अपनी दूसरी पीढ़ी के डेटा रिले उपग्रह तियालियन 2.01 को लॉन्च किया है। चीन ने अपने नई पीढ़ी के डेटा रिले उपग्रह से पहले उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है जो अपने मानव युक्त अंतरिक्षयान के लिए डेटा रिले माप और नियंत्रण सेवा प्रदान करेगा। तियालियन 2.01 उपग्रह को दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत को जी चांग सैटेलाइट लॉन्च से सेंटर से लॉन्च से लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। अगला खगोलविद ने ब्लैक होल की पहली छवि ली है। एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्लैक होल की पहली छवि ली है जो दूरी पर आकाश गंगा में स्थित है, जिसे मेसियर 87 के रूप में जाना जाता है जो पृथ्वी से लगभग 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इसे 8 जुड़े दूरबीनों के नेटवर्क इवेंट होरिजन टेलीस्कोप द्वारा लिया गया है। यह 40 मिलियन किलोमीटर अंतरिक्ष को मापता है। इसे वैज्ञानिकों ने एक राक्षस के रूप में वर्णित किया है। अगला हमारा इसरो ने PSLV C-45 को एमीसेट और 28 नैनो उपग्रह को लॉन्च किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने 47वें ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशन में 28 अन्य ग्राहक उपग्रहों के साथ एक रक्षा खुफिया उपग्रह एमीसेट एडवांस PSLV C-45 रॉकेट पर लॉन्च किया है। PSLV-45 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अगला टेस्ला ने एशिया में अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का निर्माण किया है। टेस्ला ने जापेंटो में ओसाका ट्रेन स्टेशन पर एशिया में अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित की है जो ऊर्जा की मांग को कम करती है और जापान में ट्रेनों को आपातकालीन बैकअप शक्ति प्रदान करती है।
अगला है, गूगल ने नया क्लाउड प्लेटफॉर्म एंथोस लॉन्च किया है। गूगल ने एंथोस को लॉन्च किया है, जो गूगल क्लाउड का एक नया ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसे उपयोगकर्ताओं कहीं से भी एप्लीकेशन चला सकते हैं। अगला है, गूगल ने घाना में अपना पहला अफ्रीकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र खोला है। गूगल ने आपका घाना में अपना पहला अफ्रीकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र खोला है। अनुसंधान प्रयोगशाला अगली पीढ़ी के प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित परियोजना पर काम करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और अनुसंधान वैज्ञानिकों की मेजबानी करेगी। अकरा राजधानी और सेडी घना की मुद्रा है। अगला है, दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला राष्ट्रीय 5G नेटवर्क लॉन्च किया। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला फोन 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया है। यह प्रणाली मौजूदा 2G की तुलना में 20 गुना तेजी से स्मार्टफोन को निकट सहयोगी कनेक्टिविटी के साथ लाएगी, जिसमें उपयोगकर्ता 1 सेकंड से भी कम समय में पूरी फिल्म डाउनलोड कर सकता है। अगला है, हमारा नेपाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। नेपाल का पहला उपग्रह नेपाली सेट भुवन को अमेरिका ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की वर्जीनिया स्टेशन से अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। नेपाली सेट वन देश की स्थलाकृति और पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर घूमना शुरू कर देगा। उपग्रह नेपाल ध्वज और लोगो नेपाल विज्ञान और प्रौद्योगिक अकादमी को दर्शाता है। उपग्रह नेपाल की स्थलाकृति और एक मैग्नेटोमीटर को पकड़ने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित डेटा एकत्रित करने के लिए 5 MP कैमरा से लैस है। अगला है, हमारा श्रीलंका का पहला उपग्रह रावण फर्स्ट अंतरिक्ष में पहुंचे थे। श्रीलंका का पहला उपग्रह रावण फर्स्ट को नासा की उड़ान सुविधा से वर्जीनिया के पूर्वी तट पर अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। रावण फर्स्ट का वजन है 10.05 किलोग्राम और यह आकार में 1000 घन सेंटीमीटर है। उपग्रह का न्यूनतम जीवन काल 1.5 साल के आसपास है, वो इसमें 5 साल तक सक्रिय रहने की उम्मीद है। रावण फर्स्ट उपग्रह को 2 श्रीलंकाई अनुसंधान इंजीनियरों द्वारा जापान में क्यूसो प्रौद्योगिकी संस्थान में डिजाइन और निर्मित किया गया था। रावण फर्स्ट उपग्रह का कैमरा मिशन श्रीलंका और उसके पड़ोसी देशों की छवियों को कैप्चर करना है। अगला, चंद्रमा के लिए पहला निजी तौर पर वित्त पोषण मिशन वियर सीट अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वियर सीट इजराइल का एक मिशन है, जो यह पहला निजी तौर पर वित्त पोषित चंद्र मिशन है। बेरेस्केट चंद्र सतह पर उतरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसे गैर लाभकारी स्पेस सेल और सरकार के स्वामित्व वाली एरो स्पेस कंपनी इसराइल के बीच साझेदारी के साथ लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं फरवरी मार्च 2019 के, तो इसमें इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने युवा विज्ञान कार्यक्रम युवा विज्ञान कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे स्कूली बच्चों के लिए। अगला है, नासा ने यूनिवर्स की जांच के लिए एयर स्फीयर एक्स मिशन लॉन्च किया। नासा ने जीवन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझने के लिए समर्पित एक नए अंतरिक्ष दूरबीन मिशन की घोषणा की है। इससे संक्षेप में यूनिवर्स के इतिहास के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पुनर्मूल्यांकन का युग और IPS एक्सप्लोरर या स्फीयर एक्स कहा जाता है अंतरिक्ष एजेंसी 2023 लॉन्च करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अगला है, चीन की सिनुआ दुनिया की पहली महिला AI न्यूज एंकर का अनावरण। चीनी समाचार एजेंसी सिनहुआ ने दुनिया की पहली महिला AI न्यूज एंकर चिन जियोमेंग का खुलासा किया है। वह एक खोज इंजन कंपनी सोगो इंक के सहयोग से विकसित की गई है। अगला है, वेंडी कूट चेन्नई में एक डेनेज क्लीनिंग रोबोट प्रस्तुत किया गया। वेंडी कूट एक डेनेज क्लीनिंग रोबोट भारत में पहली बार तमिलनाडु के चेन्नई शहर के कुम्भकोणम नगर निगम में 18 लाख रुपए की लागत से मैनुअल इसके बीजिंग से छुटकारा पाने के लिए प्रयासों के तहत पेश किया गया। अगला, केरल में पहला मानव हस्त मशीन पुलिस रोबोट KPBOT लॉन्च किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पेना राई विजयन ने KPBOT नाम के भारत के पहले मानव पुलिस रोबोट का अनावरण किया है, जिसे केरल के तिरुवनंतपुरम
में पुरुष पुलिस मुख्यालय उप निरीक्षक के रूप में स्थान दिया गया। रोबोट के लिंग को महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए महिला घोषित किया है। अगला जनवरी 2019 की खबरों, तो भारतीय संचार निगम लिमिटेड भारत में MSMS के माध्यम से डेटा कनेक्टिविटी सेवा देगा। BSNL ने फ्रांसीसी कंपनी वी बाउंड के साथ ऐसे क्षेत्रों में MSMS के माध्यम से डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए करार किया है जहाँ कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है अथवा सिग्नल ब्रेक होता है। SMS आधारित डेटा कनेक्टिविटी मोबाइल ऐप में निहित तकनीक की मदद से काम करेगी। यह कनेक्टिविटी ऐप और वी बाउंड सर्वर के बीच हस्तांतरित SMS पर आधारित है। इस तकनीक को पहली बार फ्रांस में पेश किया गया था और कुछ अफ्रीकी देशों में इसका परीक्षण भी किया जा रहा है। भारत में BSNL इस तकनीक को लागू करने के लिए कुछ एप्लीकेशन के साथ बातचीत कर रहा है। अगला, इसरो ने फ्रेंच गयाना से जी सेट 31 लॉन्च किया है। भारत के संचार उपग्रह जी सेट 31 को कोरो लॉन्च बेस फ्रेंच गुआना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। जी सेट 31 भारत का 40वां संचार उपग्रह है। DTH टेलीविजन के ट्रांसपोंडर क्षमता और ATM स्टॉक एक्सचेंज डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग DSNG और ई गवर्नेंस एप्लीकेशन जैसी सेवाओं के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अगला, इसरो बेंगलोर में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलोर में एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर स्थापित कर रहा है जो देश की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को सफल बनाने की अपनी खोज का समर्थन करेगा। गगनयान कार्यक्रम के लिए कुल निधि 10,000 करोड़ रुपये है। अगला, इसरो ने सफलतापूर्वक PSLV C-44 स्केला समेट और माइक्रोसॉफ्ट आर उपग्रह का प्रक्षेपण किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कलाम सेट और इमेजिंग उपग्रह माइक्रोसेट आर को ले जाने और वाले PSLV C-44 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। उपग्रह का आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण हुआ है। कलाम सेट के बारे में बात करें तो कलाम सेट को पहली बार छात्रों और चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित एक पेलोड है। कलाम सेट 10 सेंटीमीटर आकार का घन और 1.2 किलोग्राम वजन के साथ भारत का सबसे हल्का उपग्रह है। माइक्रोसेट आर DRDO द्वारा निर्मित तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रक्षेपित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। माइक्रोसेट आर मुख्य रूप से भारतीय सशक्त बलों के एकीकृत अंतरिक्ष सेल के लिए एक समर्पित सैन्य उपग्रह है। अगला है, फेसबुक कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नैतिकता के लिए संस्थान स्थापित करेगा। फेसबुक ने जर्मनी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक के सहयोग से इंस्टीट्यूट फॉर एथिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्थापित करने के लिए $7.5 मिलियन का अनुदान दिया है। यह संस्थान नई तकनीक पर नैतिक अनुसंधान के बढ़ते क्षेत्र में को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग एवं प्रभाव पर असर डालने वाली बुनियादी मुद्दों का पता लगाएगा। संस्थान AI के नैतिक मुद्दों का पता लगाएगा और समाज और अर्थव्यवस्था में तकनीक के जिम्मेदाराना उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देश विकसित करेगा। 2018 में टाइम्स हायर एजुकेशन पत्रिका द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता शोध के लिए TUM को दुनिया में 6वां स्थान दिया गया था। अगला, हमारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने युवा मस्तिष्क में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अनुसंधान के उद्धार के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की घोषणा की है। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम इसरो के छात्रगणों के बीच पहुंच बनाने के प्रयासों का है। अगला, छात्रों के साथ संवाद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने छात्रों के साथ संवाद नामक एक विस्तारित कार्यक्रम शुरू किया है। इसरो के विस्तारित कार्यक्रम का उद्देश्य युवा भारत को प्रेरित करना और उनकी वैज्ञानिक क्षमता को दोहन करना। अगला है, पुणे ट्रैफिक रोबोट की मदद से यातायात संभालने वाला देश में पहला शहर होगा। पुणे का यातायात पुलिस प्राधिकरण की रोडियो नाम के एक रोबोट को पेश करने की योजना है जो शहर के सड़कों पर घूमेगा, जो अर्ध यातायात पुलिसकर्मी के रूप में कार्य करेगा और यात्रियों को यातायात नियमों और अपराधों के बारे में सावधान करेगा। रोबोट रोडियो
पुणे स्थित एक प्रयोगशाला एसपी रोबोटिक्स मेकर लैब द्वारा विकसित किया गया, जो लोगों को रोबोटिक्स के बारे में जानने और खुद को तकनीकी बनाने के लिए प्रशिक्षण करता है। अगला हमारा दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष की ओर प्रथम मानव मिशन इसरो प्रमुख इसरो के डॉक्टर अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान ने घोषणा की कि इसरो दिसंबर 2021 तक गगनयान मानव मिशन की को बाहरी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। गगनयान परियोजना के तहत भारत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों के लिए बाहरी अंतरिक्ष में भेजने और उन्हें वापस लाने की योजना बना रहा है। गगनयान का प्रारंभिक प्रशिक्षण भारत में किया जाएगा और रूस में उन्नत प्रशिक्षण हो सकता है। टीम में महिला अंतरिक्ष यात्री शामिल होगी। गगनयान की विशेषताओं के बारे में, इस मिशन का उद्देश्य शिक्षा वैज्ञानिक समूह उद्योग भारतीय वायुसेना और इसरो के सहयोग से अंतरिक्ष में अधिकतम 7 दिनों के लिए 3 मनुष्यों को ले जाना है। भारत अंतिम मिशन से पहले 2 मानव रहित मिशन भेजेगा। पहली बार मानव रहित परीक्षण उड़ान दिसंबर 2020 में भेजी जाएगी। दूसरी मानव रहित परीक्षण उड़ान जुलाई 2021 में भेजी जाएगी और मानव अंतरिक्ष उड़ान दिसंबर 2021 में शुरू की जाएगी। कक्षीय मॉड्यूल को ले जाने के लिए GSLV मार्क 3 का उपयोग किया जाएगा। अगला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान परियोजना के लिए बजट को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की गगनयान परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सरकार ने 40 सैटेलाइट लॉन्च वाहनों के विकास के लिए 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अगले 4 वर्षों में 40 उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास के लिए 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए। अगला है दूध की ताजगी का पता लगाने के लिए पेपर सेंसर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने दूध की ताजगी का परीक्षण करने के लिए दूध के पाश्चरीकरण की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए एक पेपर किट विकसित की है। अगला चंद्रयान 2 मिशन का संभावित प्रक्षेपण फरवरी में। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण की फरवरी में होने की संभावना व्यक्त की गई। एक देश का दूसरा मिशन है। इसके बारे में बता दें तो चंद्रयान 2 मिशन की पूरी तरह से स्वदेशी उद्यम है, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर होगा। रोवर चंद्र सतह का निरीक्षण करेगा और डेटा वापस भेजेगा। यह डेटा चंद्रमा की मिट्टी का विश्लेषण के लिए उपयोगी होगा। पिलोट्स चंद्रमा की स्थलाकृति, खनिज विज्ञान, फ्यूचर पिचोर तत्व, चंद्रमा के बाह्य आवरण और हाइड्रोक्सिल तथा जल बर्फ की उपस्थिति पर वैज्ञानिक जानकारी एकत्रित करेगा। 3290 किलोग्राम चंद्रयान 2 चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और चंद्रमा को सुदूर संवेदन उद्देश्यों को पूरा करेगा। भारत की पहली खोज चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में इसरो द्वारा शुरू की गई थी। अगस्त 2019 तक संचालित हुई। अगला चीन के चेंगे 4G ऐतिहासिक स्पर्श किया है। चीन का चेंगे 4 खोज अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सबसे दूर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। चेंग 4 एक चीनी चंद्र अन्वेषण मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दूरस्थ क्षेत्रों में आसानी से उतरना है। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी के नमूनों को पृथ्वी पर देना है। अगला जापान ने दुनिया की पहली कृत्रिम उल्का बौछार के लिए उपग्रह प्रक्षेपित किया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने टोक्यो स्थित स्टार्टअप स्टार ALE के मिनी उपग्रह को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य दुनिया की पहली कृत्रिम उल्का बौछार करना है। अगला IITM ने स्पेस ईंधन को फिर से बनाया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में इंटर स्टेलर स्थितियों का अनुकरण करके अंतरिक्ष ईंधन की को फिर से बनाया। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर एक स्वच्छ एवं टिकाऊ विकल्पों की खोज की दिशा में यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अगला है नासा ने एक नए ग्रह 217 HD 217-49B की खोज की है। अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने नए एक ग्रह की खोज की है। यह नासा के मिशन ट्रांसिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट द्वारा खोजा गया तीसरा नया ग्रह। यह नया ग्रह HD 217-49B हमारे सौरमंडल के बाहर है।
यह त्रिपन वर्गाकार पर दूर एक बौने तारे की परिक्रमा करता है। HD 2179 भी नक्षत्र जालिका में एक चमकीले तारे की परिक्रमा करता है। TST/ST टेस्ट द्वारा की गई तीनों खोजों में से यह सबसे लंबी परिक्रमा अवधि है। HD 2179 भी साधारणतः अपने तारे की परिक्रमा 36 दिनों में पूरी करता है। टेस्ट खोजान द्वारा की गई अन्य दो खोजों के वाई मैन से बी और LHS 3844 बी है। वाई मैन से बी 6.3 दिनों की कक्षा है और LHS 3844 बी केवल 11 घंटों की कक्षा है। IIT ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में BTech डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने नए शैक्षणिक सत्र से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक में एक पूर्ण स्नातक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, जो देश के लिए पहला और विश्व स्तर पर केवल तीसरा है। नए पाठ्यक्रम में 20 सीटें होंगी और पात्रता JEE एडवांस टेस्ट को पास करना होगा। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा विज्ञान और तकनीकी से संबंधित करंट अफेयर 2019 का।